बिग बॉस के घर में फैमिली वीक शुरू हुआ है और सभी के घर वाले मिलने के लिए आए हैं। और मैंने जैसा कि आपको सबसे पहले बताया कि रुबीना और जास्मिन रो पड़े थे, इतना ही नहीं घर में ये पूरा टास्क काफी इमोशनल है। पॉज जब कहा जाएगा सबको पॉज हो जाना है, कोई भी हिलेगा तो मिलने का मौका नहीं मिलेगा। घर वालों में 100 मिनट डिवाइड किए गए हैं, जी हाँ 100 मिनट, और सभी सदस्यों को आपस में डिवाइड करना है। पहला किसका नंबर आया? पहला नंबर आया है निक्की का। जी हाँ, निक्की की मम्मी आई है और निक्की जो है अपनी मम्मी से मिल रही है। वहां पे कांच का बनाया हुआ है कैबिनेट और हाथ के लिए, जैसा कि आपको याद होगा जैसे सनी लियोनी आई थी तो उन्होंने जब चंपी की थी तो ग्लव्स डाले हुए थे। दोनों तरफ फोन रखे हुए हैं, निक्की अपनी मम्मी से फोन पर बात कर सकती है। तो इस तरह ये पूरा टास्क चलेगा। पहला मौका मिला है निक्की को, घर वालों ने आपसी सहमति से उसे 8 मिनट दिए हैं और फोन पर जो है बातचीत हो रही है। तो इसको लेकर जो भी बातचीत होती है हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसे ही निक्की पहुंची, राहुल वैद्य जो है रो पड़े उनकी मम्मी को देखकर। आप सभी जानते हैं कि राहुल कितने इमोशनल है परिवार को लेकर। तो एजाज रो रहे थे, हर कोई रो रहा था और सबको, बाकी फैमिली मेंबर को पॉज पे रखा गया है और जब रिलीज कहेंगे तभी जो है वो रिलीज हो सकते हैं। तो ये पूरा टास्क जो है बहुत डिफिकल्ट है, 100 मिनट में से आपस में डिवाइड करने हैं। राखी सावंत ने जैस्मिन को बोला कि मेरे घर से कोई नहीं आने वाला, तू जो है मैं अपने मिनट्स तुझे दे दूंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने जो है बहुत हर्ट किया था जैस्मिन को। तो इसी बात को लेकर घर में ये काफ़ी इमोशनल टास्क शुरू हुआ है। यकीन मानिए लाइव फीड पे इसको देखते हुए काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स जो है मुझे भी फील हो रहे हैं। तो इसको लेकर कोई भी अपडेट आएगा, किसकी फैमिली से कौन आया, क्या बातचीत हुई, ये सारे अपडेट जो है हम आपको फिल्म विंडो पर देते रहेंगे।